एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूस के एक बच्चे ने दावा किया है कि वो पिछले जन्म में मंगलवार ग्रह का निवासी है। 20 साल का ये लड़का वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके अंतरिक्ष ज्ञान ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। वोल्गोग्राड के रहने वाले 20 साल का बोरिस्का मिप्रियानोविच ने वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों को अंतरिक्ष को लेकर अपने अद्भुत ज्ञान के चलते हैरत में डाल दिया है। उसकी मां कहती है कि ये एक बेहद खास बच्चा है और अपने जन्म के कुछ महीनों बाद ही ये कुछ ऐसे विषयों के बारे में बातें करने लगा था जिनके बारे में हमने उसे कभी नहीं बताया था। बोरिस्का की मां ने कहा कि वो एक साल की उम्र में अखबार की हेडलाइंस पढ़ लेता था, 2 साल की उम्र में पढ़ लिख लेता था और 2.5 साल की उम्र तक वो पेंटिंग करने लगा था। बोरिस्का काफी छोटी उम्र से ही एलियंस और उनकी सभ्यता को लेकर खुलासे करता रहा है। उसके अनुसार लगभग 7 फुट लंबे मार्शियंस आज भी मंगलवार ग्रह पर रहते हैं और वो सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा कि मंगलवार पर हुए न्यूक्लियर युद्ध के चलते वहां सभ्यता काफी हद तक अस्त व्यस्त हो गई है। ये मार्शियंस अमर हैं और 35 साल का होने के बाद वो उम्र दराज होना बंद कर देते हैं। ये लोग ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में भी सक्षम हैं। बोरिस्का ने लगातार ये दावा किया कि वो एक मार्शियन पायलट है और पहले भी धरती पर आ चुका है।